नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अयोध्या मवई से है। अयोध्या मवई पुलिस ने फर्जी दरोगा बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्जी दरोगा बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने व धन उगाही करने वाले अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय रामदेव सिंह ग्राम माजगांव थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या को मवई पुलिस द्वारा वादी के घर ग्राम नौगवाडीह पर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के पास से एक सेट वर्दी, बाजू कलर मोनोग्राम, सीटी, डोरी, बेल्ट, पुलिस कैप, मैताज, फर्जी परिचय पत्र, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक मै डोरी बरामद। थाने पर अभियुक्त संदीप सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्टर मंडल अयोध्या रविन्द्र कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मवई थाना क्षेत्र के नौगवाडीह गांव में एक व्यक्ति की सूचना पर हमारी बाबा बाजार पुलिस पहुंची कि उनके यहां ये संदेह हुआ उनको कि एक मुकदमा लिखाए थे थाने में अपनी बेटी के लिए अस्वलीकरण के आरोप का, राजद पीड़न का, तो उसमें दरोगा की विवेचना पर आए हुए हैं। लेकिन उस व्यक्ति के चाल चलन से उनको संदेह हुआ कि ये दरोगा असली में फर्जी लग रहा है, उसके वर्दी के पहनावे से और उसकी बातचीत से। इस सूचना पर हमारी पुलिस तत्काल पहुंची और गहनता से छानबीन की तो पता चला कि संदीप सिंह जो मझगांव थाना कुमारगंज का रहने वाला है, इसके पास से फर्जी आईडी कार्ड और जो भी वर्दी के सामान है वो मिले और इसमें तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आज माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेज दिया गया।